मेहंदी लगा रहे हैं, और ये है मेरी सिस्टर, और इसको मेहंदी लगानी बहुत अच्छे से आती है। तो आधी मेहंदी लग चुकी है और मेरे तो हाथ थक गए हैं, लगाने वाली नहीं थकी। तो आप देख रहे होंगे डिजाइन कैसे लगा आपको। तो आप देख सकते हैं मेहंदी अभी लग चुकी है पूरी। लगाने वाली शर्मा रही है, मुंह छुपा रही है। बोल रही है मेरे को कैमरे के आगे मत लाना। आप देख सकते हैं मेहंदी लग चुकी है और मैंने एक हाथ में लगाई है मेहंदी और एक हाथ में ये लगा रही है और दूसरे हाथ में कल लगाएंगे, है ना? क्योंकि तो दोनों हाथ में अगर मेहंदी लगाएंगे तो रजाई कौन ओढ़ेगा। तो दूसरे हाथ में कल लगाएंगे मेहंदी, अभी एक में लगा दी है। तो देखिए तो अभी के लिए गुड नाइट और मिलते हैं सुबह आपको। अरे मैं हरियाली में पानी डाल रही हूँ, इसमें हल्का गर्म पानी डालते हैं एक दो दिन जब तक वो जमी नहीं है, और फिर उसको ढक के रख देते हैं, उसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। ये सूखा जो है इसको पराल बोलते हैं। और अब मैं लगाऊंगी बत्ती। और जो ये जिसको आप बोल रहे होंगे ये पराल क्यों बोल रही है, ये धान का घास, धान जिस पर लगती है, धान की पौधा है ये। ये सुखाया जाता है गाय के लिए और इसको साल भर चलाते हैं लोग सुखा के। तो ये हरियाली में डालना जरूरी होता है, हमारे यहाँ इसी को डालते हैं। और अब मैं धूप नहीं जला रही हूँ, मैं जला रही हूँ मासी। ये है हिमालय की जड़ी बूटी और हिमालय के ऊपर क्षेत्रों में पाई जाती है मनना में। तो इसे लाऊंगी, इस पर बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जिसका नाम मासी है। तो धीरे धीरे खुद ही चलेगी। आलू और आलू सब बंदर निकालिए, जैसे ही हो रहे हैं फिर बंदर निकाल रहा है, कुछ निकाल रहा है। यहाँ कुछ भी चीज़ बंदर होने नहीं देता है, कुछ भी लगाओ आप बंदर होने नहीं देता है, बस। और उन्हीं के साथ का ये आलू का पेड़ मैंने उसी साथ लगाया था, तो ये मेरे गमले में है, तो इसको बंदर ने नहीं खाया, तो ये इतना बड़ा हो गया। और खेत में तो बंदर रखते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि फूल नहीं दिए होंगे, 12 महीना ही इसमें फूल लेते हैं। ये है मिर्च का पेड़, ये पिछले साल का मिर्च का पेड़ है और मैंने इसको डेली पानी डाला, इसलिए ये सूखा नहीं। मेहंदी भी लग चुकी है, देखो कल रात को हमने मेहंदी लगाई थी, अभी ऐसे रेड कलर का हो चुका है, ये अच्छा लग रहा है। इसको बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, जिस
इसको भी मेहंदी लगानी है, इससे संपर्क करें, मेरे को से मेरे से संपर्क करें, इसको बुलाएंगे, आप पे भी मेहंदी लगाएंगे। ऐसा इसने डिजाइन लगाया और एक हाथ तो इसने खाली रखा और आज रात को लगाएंगे दूसरे हाथ में। अभी मेहंदी मैंने लगा दी है और अब लगाएंगे इसमें चूड़ियाँ। तो आप सोच रहे होंगे ये चूड़ियाँ ऐसे डिजाइन की क्यों हैं, अलग अलग डिजाइन की, तो ये आई हैं मंदिर से। और कल मैं जब आरती में गई थी तो पंडित जी ने ये चूड़ियाँ दी थी वहाँ से मंदिर से, तो मैं इसको ऐसे ही पहनूंगी। अब ये मेरे हाथ में आती हैं कि नहीं आती हैं देखते हैं आगे। सुंदर चूड़ियाँ थी वो छोटी हो गई हैं, बहुत प्यारी थी ये, और ये नहीं आ रही मेरे हाथ में, बहुत छोटी हो गई है।